अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज एक मरतबा फिर मैं आप लोगों के साथ सब्जी मंडी कराची में मौजूद हूं और यहां पर भी आज आपके साथ सब्जियों की कीमतें शेयर करने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले हम अगर बात करें यहां पर कद्दू की, कद्दू जो यहां पर मिल रहा है, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स में मुझसे पूछा था कि कद्दू की प्राइस आप शेयर करें, तो कद्दू यहाँ पर ये 40 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पर ये कद्दू मिल रहा है। आप देख सकते हैं कद्दू अच्छी क्वालिटी का कद्दू यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है। फिर देखते हैं और क्या मिल रहा है। बैंगन की बात करते हैं मगर, तो बैंगन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पर ये बैंगन मिल रहा है। और अगर बंद गोभी की बात करें तो बंद गोभी यहाँ पर जो मिल रही है वो 80 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पर ये मिल रही है। और यहाँ पर शलजम की बात करते हैं, शलजम जो मिल रहा है वो क्या रुपये मिल रहा है भाई? शलजम क्या रुपये? शलजम जो मिल रहा है यहाँ पर 50 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पर ये शलजम मिल रहा है। फिर हम अगर बात करते हैं अरबी की, अरबी जो यहाँ पर ये मिल रही है वह 100 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पर ये अरबी मिल रही है। फिर देखते हैं अरबी के अलावा और क्या चीज़ें मिल रही हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर मटर भी मिल रहा है और मटर यहाँ पर जो सब्जी मंडी में मिल रहे हैं वो 200 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पर ये मटर मिल रहे हैं। फिर देखते हैं और क्या इसके अलावा मिल रहा है। शिमला जो यहाँ पर व्यूवर्स मिल रही है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 100 रुपए किलो के हिसाब से यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 120 रुपए ग्राहक लेके गए, लेकिन वैसे यहाँ पर ये 100 रुपए लगाने को तैयार हैं। शिमला मिर्च हम अगर बात करें तो यहाँ पर गवार की फली भी रखी हुई है बड़ी तादाद में, बहुत ही ज़्यादा ताज़ा, बहुत ही ताज़ा गवार की फली 170 रुपए किलो के हिसाब से यहाँ पर ये मिल रही है। गोभी की कीमतें आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, यहाँ पर 80 रुपए किलो के हिसाब से मिल रही थी पुरानी पिछली शॉप पर, लेकिन अब यहाँ भी पूरा पूछ लेते हैं ये गोभी क्या रुपये भाई? बंद गोभी यहाँ पर भी 80 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही है। टिंडे की बात करते हैं तो टिंडा यहाँ ज़रा पूछ लेते हैं, ये टिंडा क्या रुपये बेटा? टिंडा यहाँ पर कम मिल रहा है और यहाँ पर सस्ता मुझे लगा, यहाँ पर 120 रुपए किलो के हिसाब से यहाँ पर ये मिल रहा है टिंडा। लास्ट टाइम आया था मैं यहाँ पर, टिंडा यहाँ पर मिल रहा था 160 या 150 रुपए के दरमियान मिल रहा था। और अगर बात करते हैं फिर हम खीरे की, खीरा यहाँ पर क्या रुपये मिल रहा है? खीरा यहाँ पर मिल रहा है 60 रुपए किलो के हिसाब से यहाँ पर ये खीरा मिल रहा है। फिर देखते हैं और क्या मिल रहा है। व्यूअर्स, चुकंदर आपके साथ शेयर कर दूं, चुकंदर यहाँ पर जो मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 80 रुपए किलो के हिसाब से यहाँ पर ये मिल रहा है। लौकी जो मिल रही है, लौकी आज थोड़ी महंगी लगी मुझे, 80 रुपए किलो के हिसाब से यहाँ पर ये लौकी मिल रही है। गाजर की हम अगर बात करें, गाजर जो यहाँ पर ये मिल रही है वो 60 रुपए किलो के हिसाब से यहाँ पर ये गाजर मिल रही है। आई थिंक 80 रुपए किलो के हिसाब से यहाँ पर ये गाजर मिल रही है। फिर देखते हैं इसके अलावा और क्या मिल रहा है। यहाँ पर बैगन भी रखे हुए और तोरी भी रखी हुई है। तोरी की क्या कीमत है चाचा? तोरी जो यहाँ मिल रही है 50 रुपए किलो के हिसाब से यहाँ मिल रही है। और यहाँ पर जो बैंगन मिल रहा है, बैंगन की भी जरा कीमत पूछ, बैंगन जो मिल रहा है 80 रुपए किलो के हिसाब से यहाँ पर ये मिल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक चाचा के पास सबसे ज्यादा फ्रेश जो यहाँ पर एक सब्जी रखी हुई है उसकी भी जरा कीमत मैं पूछ लेता हूँ। ये फूल गोभी चाचा ये रखी हुई है, फूल गोभी जो यहाँ पर ये ताज़ी इंतहा से ज़्यादा आप देख सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 120 रुपए किलो के हिसाब से यहाँ पर ये मिल रही है। और वैसे तो यहाँ पर और भी सब्जियाँ मिल रही थी लेकिन ज़्यादातर मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। शिमला मिर्च की कीमत मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। फिर देखते हैं और क्या मिल रहा है। व्यूअर्स, टमाटर की हम अगर कीमत शेयर करें आपके साथ तो टमाटर यहाँ मिल रहा है 1200 रुपये की पेटी है और लगभग वज़न इसमें होता है 16 किलो के दरमियान, तो आप कह सकते हैं कि इसमें वज़न होता है। पेटी के साथ हम अगर देखें तो 16 किलो तक इसमें वज़न होता है। फिर देखते हैं इसके अलावा और क्या मिल रहा है। ये भाई मेरे साथ मौजूद हैं और ये आलू और प्याज की कीमत बता रहे हैं। भाई आलू क्या रुपए हैं? आलू तो 35 रुपये बताया, प्याज 40 रुपये किलो। आलू जो लाल वाले हैं वो क्या रुपये किलो है? वो लाल वाले, हाँ वो 40 रुपये किलो। आलू 40 रुपए किलो लाल वाले हैं और व्हाइट वाले आलू 35 रुपए किलो। अच्छा 35 रुपए। तो आपने देखा व्यूअर, यहाँ पर ये बता रहे हैं भाई कि यहाँ पर प्याज जो है वो 40 रुपए किलो के हिसाब से मिल रही है और आलू की जो दो क्वालिटीज होती हैं, एक लाल में और एक पीले में, तो वो दोनों की प्राइस भाई ने बताई, आपको करीब जाके भी बता देता हूँ। तो ये पीला वाला आलू जो मिल रहा है ये 35 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है और वो लाल वाला जो वहाँ पर रखा हुआ है वो 40 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है। व्यूअर्स, नींबू की अगर बात करें तो नींबू यहाँ पर 120 रुपए किलो के हिसाब से यहाँ पर ये मिल रहे हैं। और अगर करेले की बात करें तो करेला यहाँ पर ये मिल रहा है यहाँ पर 160 रुपए किलो, तो 100 रुपए किलो के हिसाब से यहाँ पर ये मिल रहा है। स्पेशल शिमला यहाँ पर ये मिल रहा है 100 रुपए किलो के हिसाब से। व्यूअर्स, यहाँ पर हम एक और चीज आपके साथ शेयर कर देते हैं, मोटी हरी मिर्चों की कीमत क्या है भाई? मोटी हरी मिर्चों की कितने रुपए मिल रही है?
80 रुपए के। मोटी हरी मिर्चें 80 रुपए किलो के हिसाब से मिल रही हैं, और 180 जो बता रहे थे वो कौन सी? 180 रुपए किलो के हिसाब से ये छोटी वाली मिर्चें मिल रही हैं। ये छोटी वाली मिर्चें फिलहाल बहुत ज्यादा महंगी हुई हुई है 180 रुपए किलो के हिसाब से। वाकई यही है कि फिर देखते हैं इसके अलावा और क्या मिल रहा है। भाई मेरे साथ मौजूद थे, इन्होंने ये जो है सब्जी की कीमत मेरे साथ शेयर करी मिर्चों की, फिर देखते हैं इसके अलावा और क्या मिल रहा है। तो व्यूअर्स आपके साथ लहसुन अदरक की कीमत भी जरा शेयर करते हैं। यहाँ देसी लहसुन जो मिल रहा है भाई के पास, ये 200 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है, और वो छिला हुआ आप उस तरफ देख सकते हैं व्यूअर्स, वो भी जो है वो 200 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है। और लेकिन चाइना का लहसुन जो है वो 270 रुपए किलो के हिसाब से यहाँ पर ये मिल रहा है। अदरक की कीमत भी जरा पूछ लेते हैं, अदरक क्या रहा भाई? अदरक जो मिल रही है यहाँ पर ये 220 रुपए किलो के हिसाब से यहाँ पर ये अदरक मिल रही है। व्यूअर आज भी यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त और मूसलाधार बारिश यहाँ पर ये हो रही है। बहुत मुश्किल से वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी तरह की मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पर बनाया करता हूँ। आज बड़ी हिम्मत करके घर से निकला हूँ इतनी तेज बारिश में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज जरूर लाइक करिएगा, और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ।